ठीक ठाक तेजी दिख रही है। बॉब की बात पहले भी हुई थी, पीएनबी देखिए यहाँ पर भी अच्छी तेजी आया, हालांकि करेक्ट भी है काफ़ी हुए हैं ऊपर से देखे तो, 52 वीक हाई से देखे तो अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर आई है। पीएनबी, बॉब, यूनियन बैंक, इन सब सरकारी बैंकों पर आपकी क्या राय है राजेश जी? देखिए, बैंक निफ्टी अगर और बैंकिंग स्पेस देखे तो ऑलरेडी एक आउट परफॉर्म कर रहा है। कल तक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में स्ट्रेंथ था एंड आज पीएसयू बास्केट भी परफॉर्म कर रहा है। पीएसयू बास्केट अगर देखे तो यहाँ से भी फर्दर एक अपवर्ड ट्रैक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसमें स्पेशली अगर आप देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलरेडी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 235 का जो सपोर्ट था उसको होल्ड करके कल के सत्र से हमने काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। ये जो ट्रैक्शन है आने वाले सेशंस में भी कंटिन्यू हो सकता है, जहाँ पे 255 258 जो है एक पॉसिबल टारगेट हो सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है स्टेट बैंक। स्टेट बैंक का भी अगर आप चार्ट देखें तो ओवरऑल एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है एंड रिसेंटली जो मार्केट में करेक्ट हुआ था तो उसमें स्टेट बैंक ने मेजर कोई डाउनफॉल में पार्टिसिपेशन किया नहीं है। तो स्टेट बैंक में भी पॉजिटिव व्यू है। ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो 820-825 एक हर्डल है। लास्ट वीक भी 820-825 को टच करके नीचे आया था। तो अगर ये 825 तो एक्सपेक्ट कर रहा है, बट अगर 825 भी ऊपर के साइड पे ब्रेक करता है तो एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है, जैसे स्टॉक फर्दर 860 लेवल्स तक भी जा सकता है। तो ये व्यू है SBI और बॉब को लेकर, आपको इस पर राय आप क्या, कि SBI लाइफ के चार्ट को देखते हैं, यहाँ पर भी आज गिरावट काफ़ी ज़्यादा है और कंपनी ने जो ये दूसरी तिमाही के जो उनके रिजल्ट्स रहे हैं वो कमज़ोर यहाँ पर दिख रहे हैं, उसी वजह से ये गिरावट आई है। क्या लग रहा है सर SBI लाइफ को देखकर बताइए, करीब 5% की गिरावट दिख रही है, 1645 के नीचे है, क्या करना चाहिए SBI लाइफ में अब? शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला है और इस डिक्लाइन में जो इन बिटवीन सपोर्ट लेवल्स थे वो ब्रेक हो चुके हैं। जो प्रीवियस रैली पॉइंट्स थे वो भी ब्रेक हो गए हैं। तो यहाँ पे कोई मेजर स्ट्रेंथ हमें स्टॉक में नहीं दिख रहा है। जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 200 DMA पे, तो वो भी काफ़ी दूर है 1580 लेवल्स पे। तो अभी फिलहाल तो अवॉइड का राय होगा SBI लाइफ पे। 1580 के आसपास आता है तो वो एक स्ट्रांग जोन है, वहाँ पे एक ग्रेजुअल मैनर में एक्यूमुलेट कर सकता है, बट इन लेवल्स पे दूर रहने की सलाह होगी। बिल्कुल, तो इन लेवल्स से दूर रहने की सलाह SBI लाइफ पर कंपनी ने गाइडेंस घटाई है, जिसके चलते 4.5% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। लेकिन इस बीच कुछ बैंकिंग शेयरों पर फोकस कर लेते हैं। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में शानदार तेज़ी दिखी है, जिसके चलते निफ्टी बैंक इंडेक्स भी करीब 300 अंकों की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। और कुछ पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा 3% ऊपर, यूको बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक सभी स्टॉक्स में 1.5 से 2.5% की तेज़ी आज दिखी है। इस बीच हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं। शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। बताएं क्या राय होगी बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक और पीएनबी पर? नमस्कार आशीषा जी, और सभी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। शो में बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पीएसयू बैंक्स में एक रिबाउंड को मिल रहा है, ये अभी अगर हम इसकी प्रायर अपवर्ड रैली देखते हैं पीएसयू बैंक्स की, तो ये अपने जो इसके प्रायर स्विंग लो है जो हमें रिजल्ट के दिन, इलेक्शन रिजल्ट के दिन देखने को मिले थे, वहीं से हमें एक अपसाइड रिबाउंड देखने को मिल रहा है। इससे पहले अगर कल का स्ट्रक्चर देखें तो वहां पे हैमर का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला था और RSI भी अपने ओवरसोल्ड जोन को टच करते हुए ऊपर की तरफ बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म पुल बैक देखने को मिल सकता है। अगर हम इसमें बेसिकली स्टॉक्स की बात करें तो मुझे भी बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI बैंक में स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी भी अपने 200 DMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है और मुझे लगता है कि जैसे ही ये स्टॉक 810 से लेकर 815 के लेवल के ऊपर मूव करता है तो वहां से हमें अच्छी खासी अपसाइड रैली ऊपर की तरफ दिखाई दे सकती है, जो कि इस स्टॉक को 860-870 के लेवल तक पुश कर सकती है। और वहीं पर अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की भी बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। 249 से 251 के जोन पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है कि वहां पर अगर एक अपसाइड स्ट्रेंथ दिखता है उसके ऊपर, तो वहां से फिर हमें 5-6% का अपसाइड मूव बैंक ऑफ बड़ौदा भी दिखा सकता है।
तो आने वाले दिनों में ये दोनों ही पीएसयू बैंक्स काफी अच्छे लग रहे हैं और इन आने वाले समय में इन दोनों ही बैंकों में तेजी बनी रह सकती है। बिल्कुल, तो ये राय पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर और भी तेजी इन स्टॉक्स पर दिखाई दे सकती है, ऐसा लक्ष्मीकांत जी का